हेलो स्टूडेंट्स होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक होंगे एज यू ऑल नो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टू चैप्टर्स चैप्टर नंबर फाइव एंड सिक्स नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टार्टअ चैप्टर नंबर थर्टीन वाई डू वी फॉल इल दैट मीन्स कि इल अगर सिंपल सी बात करें इल का मतलब होता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं सो दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी लाइन बाय लाइन थ्रू द एन सी आर टी बुक सो हेयर बिगिनस द एक्टिविटी the first one activities that is given is we have all heard about the earthquake in the latter bhuj kashmir as you all know these were the mountainary areas where earthquake was most common and earthquake floods these all were very common when this going to become in an area then a lo lots of disaster will come along with lots of disease Okay, so what is next when we do this exercise, we realize that health and diseases human community are very complex issues. Activities, this two common activities, the first activities is how many of these way we think are even that you occur when disaster is actually happening? When disaster happens, what will you do according to your surroundings? Next is, हाउ मेनी ऑफ दिस हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हेल्प लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर मतलब जब कोई डिजास्टर मान लो फ्लड जब आती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्लड आने के बाद उसके साइड बाई साइड के जो इफेक्ट्स हैं वॉट इफेक्ट्स वी आर गोइंग टू बी स्टडी दैट ऑल बेसिकली कंक्लूड द रेस्ट एंडिंग ऑफ द डिज़ास्टर थर्ड वन इज वट वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इन टू द फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप एंड वाई वुड अनदर फॉल इन टू द सेकेंड ग्रुप अब इसके अंदर कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट स्प्रेड होती हैं कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो लेटर ऑन स्प्रेड होती हैं एंड दैट विल गिव अ फॉर्म ऑफ एंडामिक डिजीज नाउ नेक्स्ट वन नाउ द टर्म कम्स वॉट द आइडिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज हाउ कैन यू नो वॉट इज हेल्थ एंड हाउ कैन यू नो वॉट इज अ डिजीज for this firstly we have no the difference between these two things but we have on uh, later on we have first to study what are the need of cell as you study in earlier chapters chapter number 5 that cells are made up of a large amount of chemicals called as protein carbohydrate fats and uh, lipids and so on means these are basic component and different compositions of this component were also present in the cells cell is a dynamic place why it is called a dynamic place it is called a dynamic place because in the dynamic area एक्चुअली जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं एक सिंगल सेल हमारी पूरी बॉडी के एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है एक सिंगल सेल का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है एज यू स्टडी इन द चैप्टर नंबर सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड इस टिश्यू हैव देयर पर्टिकुलर फंक्शन सो इनसाइड अवर टिश्यू इनसाइड

ठीक है किसको फिल्टर आउट करती है यूरिन फॉर्मेशन के लिए ब्लड को जो है बेसिकली फिल्टर आउट करेगी उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हमारा नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन ब्रेन का पार्ट होता है थिंकिंग का बट एज वी नो ब्रेन इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट पार्ट्स थ्री डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं इसके एक इसके अंदर होता होता है हमारा फोर ब्रेन जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है नेक्स्ट वन इज मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन इज hind brain. this three different parts were present in our brain. most active is forebrain, then midbrain, and then the hind brain. now, all these activities, activities means our body activities like the beating, like the heart, lungs were breathing, kidneys filtering, brain is thinking, all these activities are interconnected. why they were interconnected? because the muscular system, or we can say the animal tissue, they आर इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड अलॉन्ग विद देअर फंक्शंस नाउ इफ एनी पॉइजनस सबस्टांसिस इज गोइंग टू बी एकोमुलेट एकोमुलेट का मतलब क्या हो जाएगा इकट्ठा अगर हो रहा है कोई भी पॉइजनस सब्स्टांस बॉडी के अंदर तो उसको उसका नेगेटिव इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा हमारे ब्रेन के ऊपर बिकॉज सम केमिकल्स आर सो हॉरेबल की अगर उनकी एकोमोलेशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो इवन दे केन कॉज द डिफरेंट द हार्ट डिजीज़ कॉल्ड एज द कैंसर ठीक है जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैंसर जो डिजीज़ है ये कॉज हो रही है नाव डज इट इज़ वेरी कॉमन इट इज़ ड्यू टू एकोमुलेशन ऑफ कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस आर कैंसर कॉजिंग कैमिकल्स दैट स्टिम्युलेट द अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ अवर सेल विच विल रिजल्ट इन कैंसर इन एनी ह्यूमन बींग नेक्स्ट इज फॉर ऑल दिस इंटर रिलेट इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज वीन रिक्वायर एनर्जी एंड रॉ मटीरियल एनर्जी किससे मिलेगी एज इट इज वेरी कॉमन एनर्जी किससे मिलेगी हमें फूड से मिलेगी एंड रॉ मटीरियल मीन्स दैट सब्सटांसिस विच वी आर रिक्वायर फॉर गेटिंग अब फूड ठीक है रॉ मटीरियल कोई भी इसके अंदर हो सकता है वैदर इट इज़ अमूमन सोर्स एनी एनिमल सोर्स और वेदर इट इज अ प्लांट सोर्स नाउ नेक्स्ट वाट मेन वी हैव टू स्टडीज अबाउट द हेल्थ Health and its future: the significance of health. We have heard the word health. We use very quietly and very frequently. We use it ourselves as well when we say like. माई ग्रैंड मदर हेल्थ इज़ नॉट गुड यानी कि कॉमन वर्डिंग्स में इसको समझाने की कोशिश करिए कि हम लोग बोलते हैं कि हमारी ग्रैंड मदर जो है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है या हम लोग कहते हैं कि क्लास के अंदर नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि मैम आज मन नहीं कर रहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है मुझे नहीं पढ़ना आज मेरा सर में दर्द हो रहा है आप लोग हेड हैड़ डाउन करके बैठ जाती हैं या आपका जो फेस एक्सप्रेशन होता है थोड़े से डल से हो जाते हैं बुझे बुझे से होते हैं तो मतलब नॉर्मली टीचर कैन आस्क यू कि वाई यू आर नॉट फीलिंग गुड यू आर नॉट हेल्दी टूडे तो दिस इज द आइडिया दैट इज कमिंग फॉर द हेल्थ इफ यू थिंक अबाउट इट नॉर्मली अगर वर्ड हम लोग देखते हैं हेल्थ का तो इसका नॉर्मल मीनिंग हम लोग क्या लेते हैं कि एक पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है दिस इज कॉल्ड वॉट वी हेल्थ बट द मेन एस्पेक्ट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बींग इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकल मेंटली एंड सोशली यानि कि एक पर्सन फिजिकली फिट है फिजिकली फिट का मतलब कि उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं दैट वर वी सी फिज़िकली जो हम लोग आउटर में देखते हैं फिजिकल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे उसके प्रॉपर हैं लाइक आई हैव फोर फिंगर्स फाइव फिंगर्स ठीक है वन थम एंड फोर दिस तो टोटल फाइव डिजिट्स हैं मेरी हैंड्स में अगर इसमें से एक डिजिट कम हो जाए नाउ दिस वर थ्री फिंगर्स ओनली ठीक है दैट मीन्स वन फिंगर इज नॉट प्रजेंट दिस मीन्स आई एम नॉट फिजिकली फिट बट इफ़ आई हैव ऑल द फाइव डिजिट्स दैन आई एम फिजिकली फिट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेंटली मेंटली मीन्स कि एक जो पर्सन है उसकी जो बॉडी है वो मेंटली फ़िट होनी चाहिए यानि कि एक जो चाइल्ड है दिखने में बिल्कुल अच्छा नॉर्मल लग रहा है बट उसका जो मेंटल लेवल है वो इस लेवल का नहीं है कि वो एक नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के साथ कम्पटीट कर सके इट्स मेंटल लेवल इज टू टू अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड दैट मीन्स इट इज़ नॉट मेंटली फिट थर्ड आस्पेक्ट इज सोशली वट यू मीन बाय सोशल इफेक्ट मतलब हमारी जो सराउंडिंग्स हैं हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी के अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट आएगा इफ वी आर सराउंडेड बाई अ लोकैलिटी विच इज़ वेरी हेल्दी यानी कि वहाँ पे सारे एजुकेटेड पर्सनस रहते हैं दे नो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन उनको ये अच्छे से पता है कि वॉट इज़ अ यूजफुल टाइम टेबल एक प्रॉपर टाइम टेबल का क्या बेनिफिट होता है हमारी लाइफ के अंदर एक हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जो पीपल्स हैं दे आर ऑलवेज क्वारिंग विद ठीक है एक दूसरे के लड़ते रहते हैं झगड़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट जो होता है वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी पड़ता रहता है बिकॉज वी आर मेंटली गोइंग टू बी स्ट्रेस अबाउट दिस नेक्स्ट इज पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ पर्सनल इशू एक खुद के पर्सन के अगर मान लो वो स्ट्रेस uh, ले रहा है किसी चीज़ को लेके वो खुद भी स्ट्रेस है उसके सराउंडिंग रहने वाले जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं दे आर ऑल्सो गेट स्ट्रेस ठीक है यानी कि अगर फैमिली में फादर को कोई मेंटली uh, डिस्टरबेंस हो रही है तो मदर इज़ गोइंग टू बी डिस्टर्ब विद दैट एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ मदर विल रिफ्लेक्टेड ऑटोमेटिकली इन इट्स बिहेवियर नाउ नेक्स्ट वन इज ईच ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली on our ओर्स जो हमारी हेल्थ है वो हमारी खुद की है किसी और की नहीं है तो अपनी हेल्थ को कैसे रिकवर करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है द environment इंक्लूड हमारी सराउंडिंग की जो environment है जो इसके अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है कि जो हेल्थ है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन इट्स सराउंडिंग और देयर एनवायरनमेंट हम कैसे सराउंडिंग्स में रहते हैं कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है साइक्लोन का अगर एक साइक्लोन आता है साइक्लोन का मतलब बहुत हैवी विंड जो है वो क्रॉस आउट कर रही है बिकॉज इसमें देखो साइक्लोन का रीज़न क्या होता है हम लोग एक नॉर्मल उससे समझते हैं सपोज दिस इज़ एरिया ए एंड दिस इज एरिया बी ठीक है फर्स्ट एरिया के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है हाई और बी एरिया के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लो तो एयर क्या करेगी सारी की सारी एयर जो लो प्रेशर है उसको फिल करने की कोशिश करेगी तो चारों तरफ से जो हवाएं वो कहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी टू द बी एरिया दिस विल क्रिएट अ साइक्लोन ह्यूमन बींग्स लिव इन अ सोसाइटी एंड अवर एनवायरमेंट देर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ यानी कि हमारी सोसाइटी हम कहाँ पे रहते हैं नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सिटीज़ होती हैं उन सिटीज़ के अंदर कोई ना कोई, कोई लोकैलिटी ऐसे बोलते हैं कि नहीं वो सोसाइटी अच्छी नहीं है वहाँ पे झगड़े होते रहते हैं या वहाँ पे जो पीपल्स हैं उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उनके जो नेचर है एटीट्यूड्स हैं वो उनके हेल्दी नहीं है वो सेफ्टी नहीं है इसलिए उस सोसाइटी में मत रहना ठीक है अगर हम कहीं पर भी कोई पर्सन अगर मान लो रेंट पे अपना हाउस परचेज करना चाहता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि उसकी सराउंडिंग जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ की सराउंडिंग्स कैसी हैं जिस एरिया में जिस पर्सन का होम वो अपना लीज uh, पे लेना चाहता है या फिर वो रेंट पे लेना चाहता है पहले उसकी सराउंडिंग के बारे में पूछता है उस पर्सन की फैमिली की बैकग्राउंड के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं ठीक है देन नेक्स्ट इज़ अबाउट द गारबेज जो गारबेज का डिस्पोजल है अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा मान लो हमारी रोड लाइन है इसके ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने गार्बेज डाल रखा है ऐसे ही ठीक है आफ्टर फाइव टेन ट्वेंटी या फिर आफ्टर अ मंथ हम लोग देखते हैं ये जो गार्बेज है ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया एंड वी सेट देयर इज़ अ हीप ऑफ गारबेज यहाँ पे हीप पड़ा हुआ ढेर पड़ा हुआ है गार्बेज का हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस द सेम पर्सन हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बट इफ़ यू आर यूजिंग द बेन्स दैट वर प्रोवाइडेड बाय द मुंसिपल कॉर्पोरेशन अगर आप उनके अंदर डालते हो तो क्या हो जाएगा वो एक एरिया के अंदर लोकेलिटी जो है वो एक एरिया में हो जाएगा दैट मीन्स कि हम लोग पब्लिक जो क्लिननेस है उसको हम लोग एफोर्ड कर रहे हैं ठीक है ठीके? अगर सभी के सभी पीपल एक चार पीपल यहाँ पे लाइन से खड़े सपोज वन टू थ्री एंड फोर फोर पीपल्स यहाँ पे सराउंडिंग में खड़े हैं फर्स्ट पीपल ने क्या किया फर्स्ट पर्सन ने आया उसने डंप किया किसके अंदर डस्टबिन के अंदर सेकेंड पर्सन ने भी डस्टबिन में डंप किया थर्ड ने क्या किया साइड में फ्लो कर हाँ में दिया यहाँ पे साइड में फेंक दिया सारा का सारा डस्टबिन फोर्थ पर्सन क्या कर रहा है कि उसका उसने अपना जो वेस्ट है गार्बेज वो भी डस्टबिन में डंप आउट किया साथ में इसका भी डंप आउट किया इफ द थर्ड पर्सन गोइंग टू बी सी यानी कि जो तीसरा पर्सन था जिसने ऐसा किया है अगर वो ये देखेगा तो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम वो भी अपना जो गार्बेज है किस में डालेगा वो डस्टबिन में डालेगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हेल्थी इफेक्ट है हमारे जो हेल्थ है गुड हेल्थ जो है वो फूड से भी अवेलेबल है भी फूड अगर हम लोग हेल्थी करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि देर आर बेसिकली थ्री कंपोनेंट हम लोग क्या क्या लेते हैं फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वी आर टेकिंग फैट्स वी आर टेकिंग विटामिनस मिनरल्स प्रोटीन्स ठीक है जिसको अगर हम लोग समराइज़ करें एक सिंगल वर्ड के अंदर जिसको हम लोग किसका नाम जिसको हम लोग बेसिकली किसका नाम देते हैं बैलेंस्ड डाइट का अगर एक पर्सन बैलेंस डाइट लेता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो उसकी हेल्थ होगी वो ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु वर नॉट टेकिंग अ नॉर्मल बैलेंस डाइट अब नेक्स्ट वन इज द फाइव्स कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है अब इसके अंदर जो है ये नॉर्मल है फेशियल इफ़ेक्ट्स और उसके दिखा रखे हैं प्रवेंशन के लिए कि हम लोग इसको कैसे जो है यूज़ करते हैं कैसे हम इसको यूज़ नहीं करते हैं दी ज़्यादा फेशियल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में ये फेशियल मैटर है यानी कि जो वेस्ट एक्सीडा हमारी बॉडी से निकला है वो है अगर इस एक्सीटा को अगर वाटर के साथ ही मिक्सअप हो जाता है और अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फॉल इन यानी कि रिवर्स के अंदर जो पर्सन होते हैं जब वो फ्रेश आउट होते हैं और अपनी बॉडी का वेस्ट उसमें रिमूव करते हैं और कोई पर्सन उसको एंगल कर लेता है उस पानी को जो पी लेता है तो उसके अंदर प्रेजेंट स्मॉल स्मॉल जो एग्स हैं जो इस फेशियल से रिलीज हुए हैं किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के तो वो कहाँ एंटर करेंगे उस बॉडी की उस पर्सन की बॉडी के अंदर एंड दे विल कॉज द डिजीज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम लोग प्रॉपर अपना हैंड वॉश नहीं करते हैं ठीक है प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किया जैसे अभी इन टाइम ऑफ कोविड नाइन्टीन जैसे नॉर्मली बोला जा रहा है कि अपने हैंड्स को जो है वो प्रॉपरली वॉश करें फॉर ट्वेंटी सेकेंड तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जर्म्स लगे हुए हैं हैंड के ऊपर सारे के सारे क्या हो जाएंगे वो वॉश आउट हो जाएंगे ठीक है तो सेम वही यहाँ पे हो रहा है कि जो जर्म्स हैं वो प्रॉपरली वॉश आउट हो जाएंगे अगर वॉश आउट नहीं करेंगे तो हमारा हैंड कहाँ जाएगा हमारा माउथ पे गया एंड आटोमेटिकली हमारे हैंड पर सपोज यहाँ पर कोई जर्म लगा हुआ है तो कहाँ जाएगा डायरेक्टली माउथ के अंदर चला जाएगा एंड विल इट विल कॉज अ पर्टिकुलर डिजीज़ उसके बाद नेक्स्ट है फ्लाइज़ मक्खियाँ बहुत होती हैं ठीक है यानी कि हमारा जो भी बेसिकली फूड स्टफ़ है या अगर लोग मार्केट से कहीं पर भी फूड स्टफ़ लेते हैं इफ़ देर अ लॉट ऑफ़ फ्लाइज ओवर देयर तो उनको क्या करें सबसे पहले घर पर लाएँ प्रॉपरली वॉश करें फिर उसको जो है हम लोग यूजॉल्व कर सकते हैं तो ये कुछ प्रिवेंशन मेथड्स जो है, ये हैं ये यहाँ पर इसमें दिखा रखें ना व्हाट इज़ द कॉमन वर्ड एक इसमें दे रखा है अगर हम लोग करें पॉइंट इसमें डिज़ीज़ और हेल्दी दोनों में क्या डिफरेंस होता है डिज़ीज़ के अंदर देखो हम लोग हेल्थ के अंदर हम लोगों ने तीन एस्पेक्ट लिए हैं अ पर्सन इज़ फिज़िकली मेंटली एंड सोशली वेलबींग है ठीक है इसको हम लोग मानते हैं किसके अंदर कि एक पर्सन हेल्दी है बट सोशल एस्पेक्ट जो है ये नाइन्टी परसेंट अगर हम लोग माने तो ये सभी पर्सन का किसी न किसी वे में डिस्टर्ब होता है तो मेन एस्पेक्ट क्या बच गया हमारे पास फिजिकल एंड मेंटल नाउ द वर्ड डिजीज डिजीज़ का मतलब क्या होगा कोई डिस्टर्बेंस है क्योंकि जो वर्ड है डिजीज़ इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है डिस्टर्ब इज किसी तरीके से डिस्टर्ब है पर्सन डिजीज़ इन लिटरली मीनिंग अगर हम इसका लिटरल मीनिंग बोलें नॉर्मली तो वो क्या होता है अनकम्फर्टेबल कि एक पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है हाउ आर द वर्ड इज यूज इन मोर लिमिटेड मीनिंग और इसके और भी ज़्यादा लिमिटेड मीनिंग हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं वी टॉक टू डिज़ीज़ when वी फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज ऑफ discomfort। हम डिजीज़ कब बोलते हैं नॉर्मल में कहा थोड़ा हेड एक हो रहा है रिलीफ हो गए मतलब हम डिज़ीज़ फ्री हैं कुछ स्ट्रेस था गोइंग टू बी रिलीफ अब उसके बाद देखिए इसमें जो अपना दिखा रखा है अगर किसी पर्सन ने कंटामिनेटेड फूड या वाटर यूज़ कर लिया है ठीक है यानी कि वी कैन से नॉर्मली हम लोगों ने क्या बोला कि ही इज सफरिंग फ्राम डायरिया विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट द एग्जैक्ट रीजन यानी कि उस पर्सन को लूज मोशंस हो रखे हैं हमने कह दिया डायरिया है हमें उसको कह दे कोल रहा है बट हम वो कब बोलेंगे वेन वी नो द एक्चुअल मीनिंग कि एक्चुअली उसको हुआ क्या था उसको ऐसा क्यों हुआ है ठीक है जैसे मान लो नॉर्मली कई बार होता है कि वेन वी आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड और हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज का चिल्ड वाटर जो है वो ड्रिंक कर लेते हैं सडनली स्नीजिंग विल स्टार हम छीखना शुरू कर देते हैं तो, तो क्या होता है भाई इसको कॉमन uh, कोल्ड हो गया ऐसे नहीं बोल सकती इट मे बी ड्यू टू की जो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है प्रेस्पराइशन जो हम लोग कर रहे थे यानी कि बहुत पसीना जो हमारा छूट रहा था हमने वाटर पिया सडनली उस वाटर का जो टेम्परेचर था बहुत लो था बॉडी इसको मेंटेन नहीं कर पाई इसलिए छींक आनी शुरू होगी ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वी कैन नाउ इजिली इट इज़ पॉसिबल टू अ पोअर हेल्थ विदाउट एक्चुअल सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन जो है वो बिल्कुल हेल्दी है लेकिन उसकी जो हेल्थ यानी कि बहुत कमज़ोर जो है पर्सन एक चाइल्ड है वो बहुत हेल्दी है उसका वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी टू सिक्सटी के जी है एक चाइल्ड का वेट है थर्टी टू फोर्टी के जी तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो पर्सन डिजीज्ड है वो अनहेल्दी नहीं बोलेंगे हम उसको ना हम उसको डिजीज़ बोल सकते कब तक जब तक हमें कन्फर्म ना हो जाए कि उसको एक्चुअल में क्या डिजीज़ बोल रखी है ठीक है तो गुड हेल्थ एक डांसर के लिए अगर हम लोग एस्पेक्ट करते हैं कि एक डांसर जो है उसके लिए गुड हेल्थ का मीनिंग क्या हुआ कि वो जो भी पोस्चर प्रोवाइड कर सकता है ठीक है जैसे आप लोग अपने डांस टीचर को देखते हैं जब वो डांस करते हैं तो अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टेप आपको सिखाना चाहते हैं जब तक वो स्टेप वो खुद से परफॉर्म नहीं करके दिखाते यू कॉन से इट इज़ अ गुड डांसर बिकॉज वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे ठीक है एक म्यूजिशियन के लिए आप लोग कब बोलेंगे कि एक म्यूजिक म्यूज़िक टीचर कब अच्छा है जब वो आपको कोई आ, मान लो सपोज एग्जाम्पल वो फ्लूट के लिए अगर हम बात करते हैं कि बांसुरी बजा रहा है जब तक वो अपनी सांस को नहीं रोक सकता प्रॉपरली वो फ्लूट नहीं बजा पा रहा है जो एक ट्यून आपको उसको सिखाने के भी आपको जो है टू या थ्री या फोर टाइम्स इस नोट्स को ऐसे करना है तब ये फ्लूट अच्छे से बजेगी अगर वो नहीं सिखा पा रहे दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क ठीक है यानी कि उसका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग वो हेल्दी नहीं है ये इसके अंदर आ जाएगा अपना उसके बाद लास्ट देखते हैं हम इसका सो वी कैन बी पुअर हेल्दी विदाउट देयर बींग अ सिंपल कॉज एक सिंपल कॉज की वजह से हम जो है बोल सकते हैं कि हम प्रॉपरली जो है वो हेल्दी नहीं है ठीक है उसके बाद इंडिविजुअल जो पर्सन है अगर हम लोग बात करते हैं कि हाउ कैन वी से दैट कि अ पर्सन इज़ हेल्दी और नॉट तो इसके लिए अगर हम लोग डिफरेंस क्रिएट करना चाहें बिटवीन हेल्थ एंड बिटवीन डिजीज़ तो सबसे पहले हेल्दी और डिजीज़ फ्री दोनों वर्ड्स का हम लोग मीनिंग देखते हैं हेल्दी का सबसे पहले देखते हैं हेल्दी का नॉर्मल हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि एक पर्सन हेल्दी है या हेल्थ नॉर्मल कब होगी व्हेन इट इज फिज़िकली मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग ठीक है तो वो पर्सन क्या हो गया हेल्दी है एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन विच इज़ डिजीज़ फ्री ठीक है हम हेल्दी नहीं बोल रहे वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डिजीज़ फ्री तो डिजीज़ फ्री का मतलब उसका डिसकम्फर्ट डिसकम्फर्ट जो लेवल है वो नहीं है वो टोटली कम्फर्टेबल फील कर रहा है जिस कंडीशन में वो है उसके बाद सेकेंड आस्पेक्ट अगर हम लोग लें वो है अकरेंस का कि ये कब होगी नॉर्मल गुड हेल्थ कब होगी पर्सन की कि जो भी सिचुएशन है जो सिचुएशन जो सरकम उसको मिली हुई हैं उन सभी सरकम के अंदर वो इजीली सर्वाइव कर रहा है देन इट इज़ सेट टू बी अ हेल्दी पर्सन और डिजीज़ फ्री पर्सन क्या हो जाएगा उसको हमने जो सिचुएशन दी है जैसे कि मान लो एक हम लोगों ने एक पर्सन को जो है किसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर जो है हमने उसको रखा हुआ है वेदर वहाँ की कंडीशन सूटेबल हैं या नहीं है बट इट टू स्टे देयर ठीक है तो ये सिचुएशन का पॉइंट आ जाएगा हमारे लिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं इसके अंदर वो आ जाता है अपना कंसर्न कि उस पर्सन को हम किस कंसर्न से देखेंगे तो कंसर्न के लिए दो लेते हैं हम लोग एक तो इंडिविजुअल लेवल देखेंगे दूसरा हम लेते हैं कम्युनिटी यानी कि पर्सन की हेल्थी हम किस कंसिडरें कि इंडिविजुअली है कि हम उसको अकेले को देखते हैं या उसकी पूरी सोसाइटी के साथ हम उसको देखते हैं और डिजीज़ हमेशा किसकी कंसिडर की जाती है ओनली द इंडिविजुअल एक पर्सन बीमार है पूरी सोसाइटी नहीं ठीक है तो ये कॉमन आस्पेक्ट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डिजीज़ के लिए और इसके लिए और डिज़ीज़ जो है अगर एक नॉर्मल वर्डिंग हम लोग लें तो डिज़ीज़ के लिए हम लोग क्या सिंपल uh, वर्ड बोल सकते हैं कि इट इज़ अ जोन ऑफ जोन ऑफ अनकम्फर्टेबल ठीक है एक जोन है जो हमें अनकंफर्टेबल फ़ील कराती है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं बेसिकली डिजीज़ का उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं इस टॉपिक के साथ ख़त्म होते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं टू थ्री क्वेश्चन आंसर्स वर गिवन हेयर इसमें देखिए आप लोग दो तीन क्वेश्चन हमारे जो हैं वो दे रखे हैं फर्स्ट वन इज स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ गुड हेल्थ के लिए दो कंडीशन हमें बतानी है तो कौन सी कंडीशन हो सकती है इसके अंदर देखो फ़र्स्ट कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या हो सकती है फ़र्स्ट कंडीशन हम लोग इसके अंदर बेसिकली uh, मान सकते हैं हाइजीनिक फूड ठीक है food, कि जो पर्सन है उसका फ़ूड कैसा होना चाहिए हाइजीनिक होना चाहिए बैलेंस डाइट का होना चाहिए दूसरा हम इसके अंदर लेंगे फर्स्ट पॉइंट ये होगा सेकेंड पॉइंट हम लोग लेंगे इसके अंदर अपनी क्लीन सराउंडिंग्स ठीक है जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो भी कैसी होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए ठीक है तो दो एस्पेक्ट आ गए हमारे गुड हेल्थ के लिए हाइजीनिक कंडीशन हाइजीनिक फूड एंड द क्लीन सराउंडिंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू कंडीशंस फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज यानी कि डिजीज फ्री के लिए हमें कोई दो कंडीशंस बतानी है तो इसमें हम लोग फर्स्ट इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं हेल्दी हैबिटेट ठीक है हेल्दी हैबिटेट अगर किसी पर्सन की हैं हेल्दी हैबिटेट से मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि जो पर्सन है जो वाटर यूज़ कर रहा है ड्रिंक के लिए वो बिल्कुल सेफ़ है प्योर वाटर यूज़ कर रहा है जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है जो एनवायरनमेंट रह रहा है उसका एनवायरनमेंट कैसा है बिल्कुल क्लीन है ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया सेकंड हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर कि जो पर्सन है वो प्रॉपर बैलेंस्ड फूड को यूज़ करता है ठीक है बैलेंस फूड है तो उसके लिए हेल्पफुल होगा कि वो डिजीज़ से फाइट कर सकता है क्योंकि अगर बैलेंस फूड हम लोग लेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होगी वो लिटिल बिट गोइंग टू बी इंक्रीजेस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन अबव क्वेश्चन मतलब ये और ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर इसने बोला कि क्या ये सेम है या डिफरेंट है ठीक है तो दोनों के आंसर डिफरेंट हैं बिकॉज हमने किया गुड हेल्थ अलग आस्पेक्ट होता है डिजीज़ फ्री अलग आस्पेक्ट होता है हेल्थ के अंदर हम किसका ले रहे हैं कम्प्लीट इन्वायरमेंटल कंडीशन हम वहाँ पर एक कम्युनिटी के बारे में भी ले सकते हैं और हम इंडिविजुअल के लिए भी ले सकते हैं बट फ्री ऑफ डिजीज़ हम किसके लिए काउंट करते हैं ओनली फॉर द इंडिविजुअल पर्सन ठीक है person, तो ये आपका जो है बेसिकली कम्प्लीट uh, अपना जो टॉपिक था अबाउट द डिजीज़ ये था थैंक यू